नमस्कार दोस्तों, बाबा टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टर बनाना सीखेंगे 800 VA का, वो भी हम जो है बहुत शॉर्ट यानी छोटी वीडियो में सीखेंगे। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि जल्दी इन्वर्टर की एक शॉर्ट वीडियो आ रही, क्योंकि जो मैंने पहले इन्वर्टर की वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो काफ़ी लॉन्ग थी, तो ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप इजीली आप जो है जल्दी से जल्दी आप जो है कनेक्शन कर सके हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव सिरा है बैटरी का, यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है बैटरी का, और ये कार्ड की सप्लाई के लिए 12 वोल्ट यहाँ पे देनी है आपको बैटरी की। इन्वर्टर का पूरा सर्किट डायग्राम प्रॉपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये डिस्प्ले है, देखिए यहाँ पे स्टेटस डिस्प्ले है, जो आपको कनेक्शन कैसे करने हैं उसका पूरा सर्किट डायग्राम मिल जाएगा आपको। और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ किस तरीके से इसको असेंबल करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लकड़ी का जो बोर्ड है उसमें मैं स्क्रू कस के इसको फिक्स कर ले रहा हूँ। ये 800 VA की PCB है। तो गाइज़, यहाँ पे PCB को हम बोर्ड में कस ले रहे हैं, और ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर की भी आपको मैं डिटेल इस वीडियो में डाल दूंगा कि आप ट्रांसफार्मर इसमें इस PCB में कौन कौन से यूज़ कर सकते हो, और आप वाइंडिंग करके सेल्फ भी ट्रांसफार्मर वगैरह बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, आप वीडियो में बने रहो। मैं आपको इसमें ट्रांसफार्मर जो 800 VA या 600 VA कैसे बनाना होता है और कितने जीरो कितने का होता है ट्रांसफार्मर, जैसे 17 0 17 का, तो सारी मैं डिटेल्स देने वाला हूँ। ये ट्रांसफार्मर भी आपको कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये हीट सिंक पे दो जो है लेफ़्ट राइट, ये आपको हीट सिंक पे कस देने हैं, कैसे भी कस सकते हो आप, यानी लेफ़्ट राइट वाला चाहे लेफ़्ट में कस दो राइट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो दो वाइंडिंग है उनको एक करके उसमें आपको बैटरी का पॉजिटिव देना होता है। देखिए ये वाला, यहीं से आप इन्वर्टर की PCB में भी 12 वोल्ट दोगे और बैटरी का जो पॉजिटिव क्लिप है उसको कसोगे। और यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाला, ये नेगेटिव है बैटरी का, जो माइनस आपको देना है नेगेटिव। और देखिए यहाँ पे मैंने जो है अब ये जो हीट सिंक है लेफ़्ट का लेफ़्ट और राइट का राइट, ये आप कैसे भी कर सकते हो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके। तो अब देखिए मैं इन हीट सिंक को जो है यहाँ पर कसता हूँ, तो इसमें स्क्रू है, स्क्रू की सहायता से जो है नट बोल्ट है उन नट बोल्ट की सहायता से मैं इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा। और कभी भी देखिए, जब भी आप ये इन्वर्टर अगर आप सेल्फ बनाओ तो कभी भी जो हीट सिंक है इनके जो ये वोल्ट है इनको लूज़ मत छोड़ देना आप, अगर लूज़ छोड़ोगे तो आपके जो MOSFET है वो शॉर्ट हो जाएंगे यानी ख़राब हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इन्वर्टर बनाते वक्त ये जो हीट सिंक है, ये हीट सिंक के जो आपको बोल्ट टाइट करने हैं वो सही से टाइट करने हैं, मतलब लूज़ नहीं छोड़ना है आपको। तो चलिए अभी हमने हीट सिंक के वायर यहाँ पे कनेक्शन प्रॉपर हो गए, डिस्प्ले के देखिए यहाँ पे ये जैक लगा हुआ है, और सबसे पहली पिन जो है नेगेटिव है, उसके बाद में इन्वर्टर की मैं यानी इन्वर्टर ऑन की पिन है। तो ये सारा आपको सर्किट डायग्राम में सारा स्टेटस मिल जाएगा। देखिए ये डिस्प्ले मैंने खुद से बनाई हुई थी, और इस डिस्प्ले का भी मैंने सर्किट डायग्राम आपको वीडियो में पहले भी डाला हुआ है और अब भी मिल जाएगा आपको टोटल पूरा, किसी चीज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी हार्ड वर्क से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट करें मुझे, आपने यहाँ तक मुझे पहुँचाया गाइज़, तो प्लीज़ आप मेरे को जल्दी से जल्दी 10K तक पहुँचा दो यार। तो अभी आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, आगे गर्मी का सीज़न आने वाला है, मैं आपकी डिमांड के हिसाब से ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा जो आपको प्रोजेक्ट पसंद हो। देखिए ये ट्रांसफार्मर के देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्टर में यहाँ पे तीनों वायर कनेक्ट कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहला जो वायर देखिए 200 वोल्ट का है ये वाला, उसके बाद में 125 वोल्ट का है जो रेड वाला है, और फिर न्यूट्रल होता है इसमें। ये तीन वायर होते हैं, आपको सर्किट डायग्राम में भी पता चल जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ लगाना है और कैसे लगना है PCB में। तो ये कनेक्टर बना के कनेक्टर में भी लिखा होता है, तो मैंने जो सर्किट डायग्राम उसमें आपको कनेक्शन के बारे में पूरा पता चल जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से आप पूरे इसके जो सर्किट डायग्राम कनेक्शन देख सकते हैं। ये जो रेड वाला है इसमें हम जो है चार्जिंग के लिए न्यूट्रल फेस देंगे, ये देखिए ये हरे के बाद में जो रेड कलर का, और इसमें न्यूट्रल देंगे हम, न्यूट्रल कॉमन होता है। जो हरा वाला तार है वो इस सॉकेट में जा रखा है, वो आउटपुट के लिए भी है, जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलेगी 220 वोल्टेज उसके लिए आउटपुट का है जो हरा वाला है, और जो रेड वाला मैंने बना रखा है ये इनपुट के लिए, यानी कि इन्वर्टर को हम जो बैटरी को चार्ज करेंगे तो ये रेड वाला और जो न्यूट्रल होता है वो कॉमन होता है।
अब यहाँ पे देखिए सारे के सारे कनेक्शन, देखिए मैंने सॉकेट में पहले से ही कनेक्शन कर रखे हैं। इन्वर्टर की में जो आउटपुट है वो इस सॉकेट पे मैंने न्यूट्रल फेस दे रखे हैं ताकि हम इससे कोई भी बल्ब, देखिए ये साइड में जो मैंने बल्ब लगा के जला के देखेंगे। और अब यहाँ पे ब्लू कलर की एलईडी, जैसे ही मैं इन्वर्टर को ऑन करूँगा तो जो ब्लू कलर की एलईडी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली देखिए मैं अभी पुश कर रहा हूँ इन्वर्टर के बटन को, तो ये ब्लू कलर की एलईडी ऑन हो जाएगी, यानी इन्वर्टर हमारा देखिए ये ब्लू कलर की एलईडी ऑन हो गई है। और तो अभी ये देखिए यहाँ से वायर हिला हुआ होगा, ये देखिए जैसे ही हमने इन्वर्टर को ऑन करा है तो यहाँ पे देखिए आप, अभी मैं थोड़ा सही से कनेक्शन, ये देखिए आप ये हमारा इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अभी हमने इसके चार्जिंग ऑन नहीं करी है, देखिए मैं फिर से इन्वर्टर को ऑन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर बल्ब जो है स्टार्ट हो गया। देखिए तो आपको किस तरीके से बनाना है, एकदम बिल्कुल हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन प्रॉपर हो गया, हमारा इन्वर्टर प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब देखिए मैं रेड वाला जो वायर है और जो यहाँ पे जो न्यूट्रल का वायर है वो कॉमन होता है, तो मैंने सॉकेट में से ही, जो सॉकेट में मैंने इन्वर्टर की आउटपुट दी है उसी में से ही मैंने एक वायर न्यूट्रल का ये रहा, तो न्यूट्रल और फेस को मैं लगाता हूँ चार्जिंग के लिए। तो हमारी देखिए यहाँ पर येलो कलर की जो लाइट है वो मेंस ऑन की है, यानी कि मेंस ऑन की येलो कलर की है, और ग्रीन वाली हमारी जो है चार्जिंग की है, यानी कि जो ब्लिंक करेगी। तो यहाँ पे देखिए आप येलो कलर की लाइट हमारी स्टार्ट हो गई है, पीली वाली जो है मेंस ऑन की है और ग्रीन वाली चार्जिंग की है। तो यहाँ पे इन्वर्टर ने चार्जिंग स्टार्ट कर दी है, बैटरी हमारी चार्ज हो रही है क्योंकि ये ब्लिंक हो रही है, और जो पीले कलर की एलईडी है वो मेंस ऑन की है। देखिए मैंने फिर से एक बार मेंस को हटा दिया है और इन्वर्टर यहाँ पर देखिए आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ मैं। तो गाइस एकदम ये इन्वर्टर आप सेल्फ खुद के लिए बना सकते हो, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो मैंने शॉर्ट बनाई है क्योंकि वो पहले वाली वीडियो थी वो काफ़ी लॉन्ग थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने फिर से मेंस इन कर दी है इन्वर्टर में, तो देखिए यहाँ पे येलो कलर की लाइट्स मेंस ऑन की और चार्जिंग की स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में कुछ और दिखा देता हूँ कि कनेक्शन कैसे कैसे करे हुए। देखिए हीट सिंक के दोनों लेफ्ट राइट के आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ये पूरा सर्किट है और 800 VA का सर्किट है गाइज ये। और आपको अगर ये बोर्ड मेरे से परचेज़ करना है या ट्रांसफार्मर, तो आप मेरे से कमेंट करके आप ये बोर्ड भी मेरे से परचेज़ कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करें। देखिए यहाँ पे मैंने मेंस इन कर रखी है और इन्वर्टर जो है चार्जिंग स्टार्ट है हमारी, अब मेंस ऑन पे चल रहा है इन्वर्टर हमारा। ये देखिए यहाँ पे सॉकेट में मैंने न्यूट्रल दे रखा है और ग्रीन वाला हमारा ये यहाँ से ही न्यूट्रल सॉकेट से कॉमन ले रखा है मैंने चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड वाला है वो डायरेक्ट सर्किट से आ रहा है, वो इनपुट के लिए है इन्वर्टर को चार्जिंग देने के लिए, यानी बैटरी चार्ज करने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से ये इन्वर्टर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।